की सरकार बनेगी। गठन हुआ है जो पार्टियां राम के नाम पर चंदा खाया, जिन्होंने हिंदू समाज को धोखा दिया, प्रीम भाई तोगड़िया जी ने जो अनाउंसमेंट करा था ये क्या कहते हैं तुम्हारे दशहरे के अंदर, दशहरे तक अगर पार्टी ने राम मंदिर की घोषणा नहीं की इन्होंने बीजेपी वालों ने, तो हम नई पार्टी का गठन करेंगे। जो कल सरजू घाट पर अयोध्या में और नई पार्टी का गठन किया है, जो राष्ट्रीय जनता पार्टी होगी, जो सिर्फ हिंदुओं का काम करेगी, ना इसमें कोई ईसाइयों का काम ना किसी मुल्लाओं का काम, यह सिर्फ हिंदुओं की काम करेगी। और जब सत्ता में आएगी 100 दिन के अंदर मंदिर बनाएंगे, लेकिन झूठ ने जनता के साथ नहीं करेंगे। जिस तरह से मोदी जी ने, योगी जी ने, सबने फ्रॉडगिरी से पार्टी को हत्याया, जिस तरह से आज धोखा दिया जनता को, भगवान राम को, अब ऐसा नहीं होगा। सही रहा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति थी कि उन्होंने मंदिर वंदिर तो बनाना नहीं है, केवल जुमलेबाजी करनी है, और कोई ना कोई भगवान श्री राम के मंदिर भव्य निर्माण का नायक तो बनना ही था, तो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया को नायक बना दिया और उन्होंने नई पार्टी की घोषणा की।